नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत। हमारे YouTube चैनल एच के रेलवे इन्फोटेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे महुआ रेलवे स्टेशन के बारे में। दोस्तों, इसके लिए हम आपको ले चलते हैं महुआ रेलवे स्टेशन। दोस्तों, हम महुआ रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और जानकारी को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह महुआ रेलवे स्टेशन का सामने का दृश्य है। आइए अंदर की ओर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की व्यवस्थाएं एवं यहाँ के बारे में जानकारी भी इस वीडियो में देने वाले हैं। साथियों, यह रेलवे स्टेशन रेलवे के उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, जो उत्तर प्रदेश के महुआ ज़िले में है। दोस्तों, अब हम स्टेशन के अंदर आ गए हैं और रेलवे स्ट्रक्चर का बोर्ड एवं टिकट इन्फॉर्मेशन मशीन लगी हुई है एवं सामने की ओर टिकट काउंटर है, जहां पर आरक्षित और अनारक्षित दोनों टिकट प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। यहीं पर सामने की ओर यहां पर आने जाने वाली सभी रेलगाड़ियों की सारणी लगी है। आइए अब सामने की ओर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर खड़े हैं और सामने की ओर प्लेटफार्म क्रमांक 2 पर खजुराहो उदयपुर सिटी की सेंटिंग हो रही है, जो ट्रेन खजुराहो से उदयपुर सिटी तक चलती है। दोस्तों, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको स्टेशन का दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों, सामने की ओर देखते हैं तो यह रेलवे लाइन झांसी की दिशा में जाती है और इसी के आगे जंक्शन से एक रेलवे लाइन खजुराहो जाती है। दोस्तों, इस स्टेशन पर कुल 3 प्लेटफार्म हैं और तीनों प्लेटफार्मों पर गाड़ियों का संचालन होता रहता है। दोस्तों, अब यहाँ से रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, सामने की ओर रेलवे लाइन प्रयागराज बांदा की तरफ से आती है। दोस्तों, अब इस गाड़ी का डिपार्चर देख लेते हैं। यह गाड़ी अभी अभी इसी दिशा से खजुराहो से महुआ आई है और सन्टिंग होने के बाद इसी दिशा में झांसी की ओर जाएगी। दोस्तों, आगे की ओर बढ़कर अब आपको दिखाते हैं। दोस्तों, यह प्लेटफार्म क्रमांक 1 का भाग है। इसी के सामने रेलवे स्टाफ का स्वास्थ्य केंद्र है और प्लेटफार्म 2 के आगे प्लेटफार्म क्रमांक 3 है। दोस्तों, प्लेटफार्म क्रमांक 1 में IRCTC के भोजनालय की व्यवस्था है। यहीं पर बैठने, वाटर पॉइंट जिसमें हम 1 रुपये में 1 लीटर पानी ले सकते हैं। दोस्तों, इसी के किनारे किनारे रेलवे स्टाफ के कार्यालय एवं नियंत्रण कक्ष हैं। दोस्तों, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं। दोस्तों, यह प्लेटफार्म क्रमांक 1 का लेफ्ट व्यू था और बगल में आप देख पा रहे हैं पुट और एग्जिट एक ही है, और यह प्लेटफार्म क्रमांक 1 का राइट व्यू है, जहां पर स्टेशन मैनेजर, स्टेशन प्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों के कार्यालय हैं। दोस्तों, इसी दिशा में आगे की ओर चलने पर TRP थाना, कैंटीन एवं अन्य सुविधाएं हैं। और आगे चलने के बाद यह रेलवे का विश्राम गृह है और यह प्लेटफार्म क्रमांक 2 और 3 पर जाने का रास्ता है। दोस्तों, प्लेटफार्म क्रमांक 3 के आगे ट्रांसपोर्ट रैकिंग की व्यवस्था है, जहां पर माल का ट्रांसपोर्ट होता है। दोस्तों, अभी हम प्लेटफार्म क्रमांक 3 पर हैं और यह फुट ओवर ब्रिज है, जिसका एक भाग पहले से बना है और दूसरे भाग को बनाया जा रहा है, क्योंकि प्लेटफार्म क्रमांक 3 को इस दिशा में विकसित करने का कार्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफार्म क्रमांक 3 के लिए जगह थोड़ी कम है। दोस्तों, सामने की ओर आप देख पा रहे होंगे प्लेटफार्म क्रमांक 3 है। आइए आप फिर से प्लेटफार्म क्रमांक 1 पर ले चलते हैं और आपको झांसी एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखाते हैं। दोस्तों, यह ट्रेन प्रयागराज से विधायकनगर लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन तक चलती है, जो महुआ से दिन में 12:54 पर झांसी के लिए डिपार्चर होती है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर 24 घंटे में कुल 45 ट्रेनों का आवागमन होता है, जिसमें कई लंबी दूरी की ट्रेनें हैं और कुछ कम दूरी की ट्रेनें हैं।
और जंक्शन होने की वजह से स्टेशन का विकास भी तेज़ी से हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर ट्रैक इंस्पेक्शन का कार्य भी चल रहा है, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस रेलवे स्टेशन को 26 दिसंबर 2008 को महोबा खजुराहो रेलवे लाइन प्रारंभ होने के बाद इसे जंक्शन घोषित किया गया। उस समय के रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव थे। दोस्तों यह रेलवे स्टेशन झांसी डिवीजन का श्रेणी ए के अंतर्गत आने वाला रेलवे स्टेशन है। तो अब इसी दिशा में आगे की ओर चलते हैं और आप सामने की ओर देख पा रहे होंगे यह रेलवे का महोबा TSS है, जिससे महोबा से झांसी की ओर एवं महोबा से बांदा की ओर और महोबा से खजुराहो की ओर तीनों दिशाओं में ट्रेनों का संचालन होता है। इसकी शुरुआत लगभग 3 वर्ष पहले हुई थी और पिछले वर्ष जुलाई माह में महोबा खजुराहो इलेक्ट्रिक सेक्शन की भी शुरुआत हो गई है, जिसका उद्घाटन रेल विद्युत मंडल के डॉक्टर मोहम्मद लतीफ़ अहमद जी द्वारा किया गया। दोस्तों अब आगे की ओर चलते हैं। यह आउटर है जहां पर मालगाड़ी के खाली वैगन खड़े हैं और इसके पीछे वाला ट्रैक महोबा झांसी रेलवे ट्रैक है। आइए आपको आगे चल के दिखाते हैं। दोस्तों जिस पर यह वैगन खड़े हैं यह आउटर है और सामने का ट्रैक महोबा झांसी ट्रैक है और जो ऊपर की ओर गया है वह महोबा खजुराहो ट्रैक है। दोस्तों जिस ट्रैक पर हम अभी खड़े हैं यह महोबा खजुराहो ट्रैक है और सामने की ओर महोबा रेलवे स्टेशन है और हमारे लेफ्ट साइड महोबा झांसी ट्रैक और सामने की ओर रेलवे लाइन बांदा की ओर जाती है। दोस्तों यहाँ से सामने की ओर आपको जंक्शन भी दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से ट्रेन अपनी अपनी अलग अलग दिशा में जाती है। दोस्तों वर्तमान में इस स्टेशन पर विकास कार्य तेज़ी से हो रहा है और भविष्य में यहाँ पर लाइन के दोहरीकरण का भी काम किया जाना है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में ट्रेनें संचालित होने और जंक्शन होने की वजह से गाड़ी की क्रॉसिंग में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं और समय की भी बर्बादी होती है, जिससे यहाँ पर चलने वाली ट्रेनों के टाइम में लगभग 1 से 1.5 घंटे का अंतर रहता है। दोस्तों यह थी महोबा रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ संक्षेप में जानकारी। दोस्तों आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, और आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हाँ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।